टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की हुई हो वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए क्या होगी भारत की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी की वापसी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम विराट कोहली के अनुगामी में वर्ल्ड कप में खेलेगी। इसी के साथ पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी भारतीय टीम में वापसी हुई है, जिसकी घोषणा बोर्ड ने कर दी है। जय शाह ने कहा है कि धोनी के पुनः भारतीय टीम से जुड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी20 वर्ल्ड कप के लिए दौरान भारतीय टीम के मेंटर होंगे। बता दें कि अगस्त 2020 में धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया था, और यह पहला मौका होगा जब धोनी भारतीय टीम के साथ दोबारा जुड़ेंगे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए 18 सदस्यीय वाली भारतीय टीम में स्टार गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि विश्व कप 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले दौरे में 8 क्वालिफाइंग टीमें भाग लेंगी। इसमें 4 टीमें सुपर 12 दौरे में पहुंचेंगी। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के साथ 12 के सुपर 2 में रखा गया। वहीं ग्रुप 1 में मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका टीम शामिल है। क्वालिफाइंग राउंड में प्रत्येक ग्रुप से 2-2 टीमों इन ग्रुपों से जुड़ेंगी। प्रारंभिक दौरे में 8 टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यूगिनी शामिल है। दोस्तों, वही टीम इंडिया का पहला मैच 24 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि भारत आज तक विश्व कप में पाकिस्तान से नहीं हारा है। दोस्तों, अगर बात करें भारत की प्लेइंग 11 की, तो इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रवि जडेजा, राहुल चहर, आर अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी टीम में शामिल है। वह दोस्तों स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर सिरस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस बार का टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।